हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक में। तो फ्रेंड्स, अगर आप पेटीएम एप्लीकेशन चलाते हैं, पेटीएम का यूज़ करते हैं, तो मैंने पेटीएम की लास्ट वीडियो में आपको यूपीआई लाइट वाले फीचर के बारे में बताया था, जिसमें आप 200 रुपये तक की पेमेंट कर सकते हैं और आपको कोई भी यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और आप वहाँ से आसानी से सीख सकते हैं कि क्या है यूपीआई लाइट, कैसे इसे सेटअप करते हैं, कैसे एक्टिवेट करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला कि आप पेटीएम यूपीआई लाइट से पैसों को बैंक में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी बैंक में आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर खुद के बैंक में अगर आपको यूपीआई लाइट से पैसों को भेजना है तो वो आप कैसे अपने ही बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर विजिट किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर। तो इसके अंदर हमें पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मैं सबसे पहले पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे ये होम स्क्रीन आ गई हमारी। तो यूपीआई लाइट से बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करने हैं पैसे, किसी भी बैंक अकाउंट में या अपने बैंक अकाउंट में, आपको ध्यान से देखना है इस वीडियो को। यूपीआई मनी ट्रांसफ़र यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ लिखा है स्कैन एंड पे टू मोबाइल एंड कॉन्टैक्ट टू यूपीआई ऐप और टू बैंक और सेल्फ अकाउंट। तो हमें बैंक वाले पे क्लिक करना है, लास्ट वाला है जो 4th नंबर पे। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आ गया सेंड मनी टू एनी बैंक अकाउंट, एंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स। अगर आपको कोई नया बैंक अकाउंट ऐड करना है, किसी और के बैंक अकाउंट में डालने हैं, तो आपको यहाँ पे सेल्फ, यहाँ पे एंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स वाले पे क्लिक कर देना है और ये आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल जाएगा पेज। यहाँ पे बैंक अकाउंट आपको दिखाई देने, ये देख सकते हैं आप सारे बैंक्स यहाँ पे देखने दिख गए। तो जौन सा भी बैंक में आपको भेजने हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, उसकी सारी डिटेल्स आप डाल देंगे। जैसे आप कोई सिलेक्ट करेंगे इसमें, जैसे मैंने मान लीजिए ये वाला सिलेक्ट कर लिया BOB। तो उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप बैंक अकाउंट डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, प्रोसीड करेंगे और UPI लाइट से आप उसे पेमेंट कर देंगे। जितने भी पैसे आपको ट्रांसफ़र करने हैं बैंक अकाउंट में वो आप ट्रांसफ़र कर देंगे उसको। उसके बाद यहाँ पे बैक आ जाते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका अपने अकाउंट में जो टू सेल्फ अकाउंट है, मैं इसमें भेजना आपको बताता हूँ। टू सेल्फ अकाउंट में मैं खुद आपको लाइव करके दिखाऊंगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे टू सेल्फ अकाउंट वाले ऑप्शन पे। तो इस पे जैसे ही क्लिक करा है, यहाँ पे आपके सामने सारे जो भी लिंक अकाउंट हैं आपके वो आ जाएंगे बैंक अकाउंट। तो मेरा बैंक अकाउंट सिलेक्ट है इसमें ऑटोमेटिक। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम नीचे UPI लाइट का ऑप्शन आपको मिल गया है, ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। तो यहाँ पे आपको जितने अमाउंट करने हैं वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मैं 200 रुपये करना चाहता हूँ, उसके बाद पे सिक्योरली 200 रुपये, इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र हो गए लाइव, मैंने आपको करके दिखा दिया। UPI जो आपका UPI लाइट है उससे आप बैंक में इस तरीके से पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है आपके माइंड में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।